अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाले उत्पम। ये हम समा के चावल और साबूदाना से बनाएंगे। ये बनाने में बिल्कुल ईजी हैं और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। जैसे हमारे उत्पम बनते हैं उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट से उत्पम बनेंगे। ये देखिए, इन्हें आप हरी चटनी या व्रत में खाने वाली किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्रत वाले उत्पम बनाना। तो व्रत वाले जो उत्पम बनाने हैं उनके लिए जो हम व्रत वाले चावल ले लेंगे, इनको जो है समक के चावल भी बोलते हैं। तो बाजार में अगर व्रत वाले चावल भी मांगोगे तब भी मिल जाएंगे। वैसे इसको जो हम हिमाचल में बोलते हैं इसको काई भी बोलते हैं हम। तो ये इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये बिल्कुल। तो ये एक कटोरी भर के हम ये व्रत वाले चावल ले लेंगे और हाफ कटोरी हम साबूदाना ले लेंगे। साबूदाना जैसा मर्जी ले लें, मोटे दाने वाला, पतले दाने वाला, जैसा भी लेना वैसे ले लें। बस इसकी क्वांटिटी हम हाफ रखेंगे, इसको हम एक कटोरी भर के ले लेंगे। अब इनको हम भीगने डाल देंगे। तो चावल हम इसी तरह डाल के बस इसमें पानी डाल देंगे ऊपर से और ढक के इसको 3-4 घंटे या ठंड है तो 6-7 घंटे रख देंगे इसको हम, ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। इसी तरह अब हम साबूदाना भी भीगने डालेंगे। तो साबूदाना भीगने से पहले हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका जो पाउडर है वो सारा निकल जाए। जो व्हाइट व्हाइट होता है वो हम सारा निकाल देंगे साबूदाने से, पर भीगने हम अलग अलग डालेंगे। जैसे हम पानी डाल देंगे इसमें और इसको इस तरह से अच्छी तरह से धो लेंगे। जो व्हाइट व्हाइट निकलता जाएगा इसका, उसको हम पानी को निकालते जाएंगे, फिर दूसरा पानी ऐड कर देंगे। देखिए पानी जो है व्हाइट व्हाइट हो गया हुआ है, इसको हम निकाल देंगे और दूसरा पानी ऐड करके दोबारा धो लेंगे इसको। देखिए मैंने 3-4 बार अच्छी तरह से धो लिया है, अभी बिल्कुल क्लियर पानी हो गया है इसमें। तो पानी भी हमें इसमें काफी डालना है। जैसे हमने हाफ कटोरी अगर साबूदाने के लिए, तो 1.5 से 2 कटोरी हम पानी की डालेंगे, क्योंकि साबूदाना फूलता है। अगर पानी कम रहेगा इसमें तो फिर हार्ड रहेगा। इसी तरह इसमें भी हम ट्रिपल क्वांटिटी में पानी डालेंगे। अब इनको ढक के रख देंगे हम। देखिए सोक होने के बाद हमारा साबूदाना भी फूल गया हुआ है और चावल भी फूल गया हुआ है। चावल थोड़े कम फूलते हैं हमारे, साबूदाना तो पूरी अच्छी तरह से फूल गया हुआ है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और इनको हम पीस लेंगे। फिर अब जैसे साबूदाना जो है मैंने छलनी में निकाल दिया है, इसको भी हम छलनी में निकाल लेंगे और इसको छलनी में हम एक दो बार धो भी लेंगे फिर, क्योंकि हमने जो चावल डाले थे इनको हमने धोया नहीं था पहले। अब देखिए व्रत के चावल और साबूदाना हमने अच्छी तरह से पानी निकाल दिया इससे। ये साबूदाना हमारा फूल कर जो है डबल भी क्या, उससे भी ज्यादा हो गया देखिए। और जो चावल है वो हमारे ज्यादा नहीं फूलते, देखो बस सोख होते हैं ये, ज्यादा नहीं फूलते। अब इनको हम मिक्सी ग्राइंडर में जो है पीस लेंगे, अलग अलग पीसेंगे पहले इनको, फिर इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि साबूदाना जो हमारा जल्दी पीस जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बना देंगे। पानी हमने निकाल दिया हुआ है, अगर जरूरत हो तो 1/2 चम्मच पानी का डालें, वरना बिल्कुल भी ना डालें। देखिए साबूदाना हमारा अच्छी तरह से पीस चुका है, इसको अब निकाल देंगे इसमें। अब इसी ग्राइंडर में हम चावल पीस लेंगे। देखिए ये भी चावल भी पीस लिए हैं, इसको डाल देंगे। देखिए थोड़े से लिक्विड लिक्विड हो गए और साबूदाना हमारा हल्का हल्का सा ड्राई है। इसे पूरा निकालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स होने के बाद जो हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह से है अभी। देखिए बैटर जो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है दही डालेंगे। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, 2 टेबलस्पून डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मिक्सी में जब इसको पीसते हैं, अगर उस टाइम भी हम दही डाल सकते हैं इसमें। जैसे अगर पानी की जरूरत हो तो पानी की जगह हम 2 चम्मच जो है दही का ऐड कर सकते हैं उस टाइम। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि बैटर जो है हमारा अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब
अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून नमक। नमक हम ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। और साथ में डाल देंगे अब 1/4 टीस्पून शुगर डालेंगे। अब डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून इनो, पाउच है तो पाउच एक पाउच डाल लें, वरना 1 टीस्पून जो है इनो डाला है। अब इनो के ऊपर जो है हम 1 टीस्पून इनो डालने के बाद जो इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे ताकि इनो जो हमारा एक्टिव हो जाए अच्छी तरह से। अब इसको मिक्स कर देंगे, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे हम इसको अब उत्पन्न बनाने लग जाएंगे। अब इसका देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए, इसी से हमारे जो है फूले फूले जो उत्पन्न बन के तैयार होंगे। तवा मैंने मीडियम फ्लेम पे मीडियम सा गर्म किया हुआ है, बहुत तेज गर्म नहीं किया हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या घी, बिल्कुल लो कर दें इसके बाद, ताकि तवा हमारा बहुत गर्म ना रहे। बस थोड़ा सा मैंने देखिए बिल्कुल एक दो बूंदे ही ऑयल की डाली इसमें। दोबारा एक कड़छी जो हम ये डाल देंगे अपना बटर, पत्ते धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर भी डाल सकते हो आप अगर टमाटर खाते हो जैसे, तो टमाटर डाल सकते हो ऊपर से, पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल क्लीन सा बना रही हूँ इसे। बस एक साइड से पकने देंगे, फिर पलटा मार के दोबारा उसी तरह से हम इसे पका लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से लगाएंगे इसमें, जब पलटा मारना है तभी लगाएंगे। देखिए अच्छी तरह से बन गया ये, अब इसको हम पलटा मार देंगे। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और सॉफ्ट भी बन रहा है ये। व्रत में हमारा जो है बहुत लाइट सा खाना होता है ये, जैसे हम साबूदाना खाते हैं, समा के चावल खाते हैं, तो वैसे खा खा के अगर थक गए होते हैं तो ये लाइट सा आप नाश्ता इस तरह से बना सकते हो। नाश्ता क्या फुल मील भी हो जाता है ये फिर व्रत के टाइम पे, और हल्का भी होता है। तो इसको पकने देंगे फिर पलटा मार देंगे। तो अब इसको हम पलटा मार के देख लेते हैं, ये हमारा कितनी अच्छी तरह से पक चुका है ये। इसको पकने से हमारे 1.5 से 2 मिनट लगे लो और मीडियम फ्लेम पे, मतलब फ्लेम जो है मीडियम और लो पे रखे आप, हाई फ्लेम ना करने वरना ये सख्त हो जाएगा फिर, ये फिर सॉफ्ट नहीं रहेगा ये, क्योंकि साबुदाना है हमारा इसमें। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म उत्पम बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें व्रत में तो खाते ही खाते हैं, अगर आप ऐसे भी खाना चाहो तब भी खा सकते हैं इन्हें। तो आप इसे हरा धनिया चटनी या जो भी व्रत में खाने वाली चटनी होती है उसके साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।